हेलो फ्रेंड्स, मैं अजुल कन्यान आपका स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल लव फर्नीचर में। और आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू टेक केयर यूफोरबिया मिली प्लांट और क्रोन ऑफ थॉर्न प्लांट्स ड्यूरिंग मॉनसून और रेनी सीजन। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी रेनी सीजन का समय चल रहा है और इस समय आप लोग किस तरह अपनी यूफोरबिया मिली प्लांट की अच्छी खासी केयर कर सकते हैं, इसी पर मैं आप लोग के साथ चर्चा करूँगा। तो चलिए आज का हमारा टॉपिक शुरू करते हैं। मैं आप लोग के साथ कुछ पॉइंट्स शेयर करूँगा जिन्हें आप लोग फॉलो करके ये रेनी सीजन में अपने यूफोरबिया मिली प्लांट की काफ़ी अच्छे से केयर कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला हम लोग का जो पॉइंट है, सॉइल पे हम लोग चर्चा करते हैं। सॉइल मिक्सर, आपके जो यूफोरबिया मिली का प्लांट होगा वो वेल ड्रेन सॉइल में लगा होना चाहिए। अगर आप लोग का यूफोरबिया मिली का प्लांट वेल ड्रेन सॉइल में नहीं लगा हुआ तो इस समय आप लोग उसे रिपोर्ट कर सकते हैं। और आप लोग क्या कर सकते हैं, 50% सॉइल और 50% सैंड के मिक्सिंग में इसे लगाइए, काफ़ी अच्छा आप लोग को रिजल्ट मिलेगा। आप लोग इस समय रिपोर्ट कर दीजिए इसे और साथ ही साथ उसमें सैंड की क्वांटिटी बढ़ा दीजिए ताकि वाटर आपके पॉट में जमा ना रह सके। वाटर रिक्वायरमेंट की अगर बात की जाए यूफोरबिया मिली प्लांट का, तो समर्स में जैसा कि आप लोग जानते हैं एक सर्कुलेंट फैमिली का प्लांट है तो इसे वाटर की रिक्वायरमेंट काफ़ी कम है। और समर्स में भी इसे अगर वंस इन अ वीक भी वाटर दिया जाए तो कोई दिक्कत की बात नहीं है इसके लिए। और अभी तो रेनी सीजन चल रहा है तो ऐसे में आप लोग इसे वाटरिंग ना करें, आप लोग चेक करते रहे। अगर इन सॉइल के लगे आप लोग की सॉइल इसकी सूखी सरफेस है, थोड़ी आप लोग वाटर की रिक्वायरमेंट आपके प्लांट को, तभी वाटर ऐड करें। ऐसे में आप लोग वाटर ना करें ऐड जब अगर आपके सॉइल सरफेस पूरा गीला हो। मैं इस रेनी सीजन में अपने यूफोरबिया मिली प्लांट में एक बार भी वाटरिंग मैंने नहीं की है क्योंकि इसे बारिश का ही पानी से मिल जाता है और वो इसके लिए सफिशियंट, उसी से ये काम अपना चला लेता है। सनलाइट की अगर बात की जाए तो यूफोरबिया मिली प्लांट को काफ़ी अच्छा सनलाइट चाहिए, कम से कम 5 से 6 घंटे की इसे सनलाइट की ज़रूरत पड़ती है। और इसे डायरेक्ट सनलाइट काफ़ी अच्छा लगता है, सनलाइट के प्रेजेंस में काफ़ी अच्छे से फ्लावरिंग वगैरह होती है। तो इसे आप लोग ऐसी जगह प्लेस कीजिए जहाँ कम से कम 5 से 6 घंटे की अच्छी खासी सनलाइट आती है और डायरेक्ट सनलाइट, तो वहाँ काफ़ी अच्छे से इसमें फ्लावरिंग भी और काफ़ी अच्छे से ग्रो करेगा और काफ़ी अच्छे से इसमें फ्लावरिंग होती है, देख सकते हैं काफ़ी खूबसूरत इनकी फ्लावरिंग होती है। और अगर प्रोपागेशन की बात की जाए तो काफ़ी आसानी कटिंग से ग्रो हो जाता है, आप लोग किसी भी साइज की ग्रो कर सकते हैं कटिंग। और सबसे अच्छी खासियत है इसकी कि किसी भी सीजन में आप लोग ग्रो कीजिए ये ग्रो हो जाएगा आसानी से। अगर आप लोग छोटे साइज की कटिंग लगाइएगा, बड़े साइज की कटिंग लगेगा तो किसी भी सीजन में काफ़ी आसानी से आप लोग ग्रो कर सकते हैं। और यूफोरबिया मिली के प्लांट में जो मेनली जो फ्लावरिंग होती है वो लास्ट नवंबर दिसंबर से फ्लावरिंग इनमें शुरू होती है और उसके बाद लगभग अप्रैल मई तक इनमें काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग होती है। और अभी तो जुलाई का मंथ चल रहा है, देख सकते हैं काफ़ी इनमें फ्लावरिंग कम हो गई है। और मेनली इसे विंटर सीजन में काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग होती है, काफ़ी ये प्लांट खूबसूरत देख सकते हैं, इनके फ्लावरिंग होती है पुराना फ्लावर्स वगैरह। खासियत क्या है कि इसमें जो फ्लावरिंग होती है काफ़ी लंबे समय तक प्लांट में रहता है, वो जल्दी गिरता नहीं, काफ़ी लंबे समय तक चलता है आपके प्लांट, तो काफ़ी खूबसूरत लगता है प्लांट। और अगर फर्टिलाइज़र की बात की जाए तो इस प्लांट को किसी भी प्रकार की फर्टिलाइज़र की जरूरत नहीं पड़ती, ये बिना फर्टिलाइज़र का भी काफ़ी अच्छा ग्रो करते रहता है और काफ़ी अच्छी नई फ्लावरिंग भी होती है। और सबसे अभी इंपॉर्टेंट बात है कि जैसा कि अभी रेनी सीजन चल रहा है तो इस समय आप लोग क्या करें कि अपनी यूफोरबिया मिली प्लांट के ड्रेनेज होल्स वगैरह चेक करें। अगर होता है क्या कि काफ़ी पॉट्स में क्या होता है कि मिट्टी के कारण या तो प्लांट के रूट्स के कारण जो ड्रेनेज होल होता है हमारा वो बंद हो जाता है, तो ऐसे में जब भी हम लोग वाटरिंग करते हैं तो वाटर पॉट में ही जमा रहता है और मिट्टी ज़्यादा गीली होने के कारण प्लांट्स के रूट खराब होने लगते हैं, ऐसे में आपका प्लांट सर्वाइव नहीं कर पाता है। इसलिए आप लोग टाइम टू टाइम प्लीज़ चेक करते रहिए ड्रेनेज होल्स। मैं लगभग सभी वीडियो में ड्रेनेज होल्स के बारे में बताता रहता हूँ कि आप लोग टाइम टू टाइम चेक करते रहिए। और इस समय आप लोग क्या करें, अपने जो यूफोरबिया मिली प्लांट को ऐसी जगह रख दें जहाँ शेड हो ताकि इस पर डायरेक्ट जो रेन वाटर है वो ना गिरे, ताकि इस पर जो पॉट्स में ज़्यादा वाटर ना जमा रह सके, तो ऐसे में आपके प्लांट्स काफ़ी अच्छे चलते रहेंगे। और ना अगर मान लीजिए इसमें वाटर काफ़ी स्टोर रहेगा इनके पॉट्स में तो ऐसे में क्या होगा, इनके रूट्स ख़राब होने लगेंगे, ऐसे में आपका प्लांट सर्वाइव नहीं कर पाएगा। और आप लोग क्या कर सकते हैं, जब भी आप लोग सॉइल सरफेस सूखा दिखाई दे तभी वाटरिंग करें, आप लोग देख लिया करें कि वाटर की रिक्वायरमेंट है कि नहीं। वैसे तो इस प्लांट को काफ़ी कम वाटर की रिक्वायरमेंट होती है और जैसा कि मैंने बताया अभी रेनी सीजन चल रहा था, इसमें आप लोग इसे वाटर नहीं भी देंगे तो भी काफ़ी अच्छे से ग्रो करता रहेगा और काफ़ी अच्छा प्लांट है, परमानेंटली अभी आप लोग के पास रह सकता है अगर आप लोग इसकी थोड़ी बहुत केयर की जाए, और उतनी इसकी केयर भी नहीं चाहिए इस प्लांट को। तो उम्मीद है कि आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अगर हमारे चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि मैं प्लांट्स रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट वीडियो आप लोग के लिए लाता रहूँ। फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, तब तक ले बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।